तो दोस्तों आ गई आपकी टीम एक और धमाकेदार एक्सपेरिमेंट के वीडियो के साथ। तो आप देख सकते हो आज हमारे पास सिंपल सी एक एयर गन है और साथ में एक बर्फ का टुकड़ा। हाँ यार गाइस देख सकते हो आप, ये लगभग 7 इंच की बर्फ की सिल्ली है और ये कितनी चौड़ी है आप देख सकते हो गाइस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास सिंपल सा प्लान है। हमारे पास एक छोटी सी गोली है, आप देख सकते हो। इस गोली को हम इस बंदूक पे रिलोड करके फिर इसको 5 फीट की दूरी पर हम ऐसे चलाएंगे, फिर देखते हैं क्या ये बर्फ की सिल्ली इसको सर्वाइव कर पाएगी, क्या ये इसको क्रैक करेगी, क्या करेगी वो तो वीडियो में ही पता चलेगा। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने एक सस्ता सा सुंदर सा शूटर हायर किया है। यही शूटर उस बर्फ की सिल्ली को गोली मारेगा और तोड़ेगा या फिर क्रैक करेगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। क्या ये बंदूक की गोली इस बर्फ को क्रैक कर पाएगी या फिर तोड़ पाएगी वो तो वीडियो में ही पता चलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को कर देना लाइक। बोलो मैं इस बार। तो दोस्तों इसको मैं आपको सबसे पहले रिलोड करके बताता हूँ ये कैसे रिलोड होती है। तो इसको रिलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक मारना पड़ता है छोटी सी ऐसे करके, फिर इसको रखना है यहाँ पर इधर फोन है मेरा, इधर रखना है इसको ऐसे करके, फिर इसमें यहाँ पे एमओ बैठती है। तो गाइस यहाँ पे ऐसे करके इसको एमओ फिट करते हैं। यहाँ पे फिट करने के बाद सर ऐसे करके ये हो गई रिलोड। तो अब हम तैयार इस बर्फ को शूट करने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो। ओ गाइस हमने सोचा था कुछ ये इसको तोड़ देगी फोड़ देगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो एमओ इसके अंदर ही बैठ गई, पर इस एमओ ने खड्डा किया। देखो गाइस इतना बड़ा मेरी उंगली जा सकती है, इतना बड़ा इसने खड्डा कर दिया है, ये आधा इंच। खास मज़ा नहीं आया एमओ को, अभी कुछ खास नहीं बिगड़ा। इस एमओ को आप एक बार वापस से फायर कर सकते हो। चलो एक बार वापस फायर करते हैं। तो गाइस मैंने गन को एक बार वापस से रिलोड कर दिया और उस वाले शॉट में तो कुछ मज़ा नहीं आया। चलो आज थोड़ा पास में से मारते हैं क्या होता है। रेडी वन टू थ्री। गाइस इसकी एमओ तो फिर से मेरे पास में आ गई, ये देख सकते हो फिर से इस एमओ को कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब इस बर्फ का हम क्या करें। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अगर एयर गन को इस बर्फ के ऊपर फायर करें तो ऐसे होता है। हमने 3 या 4 फायर किए इसके ऊपर, फिर 3, 4, 6 दो ऐसे पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा इसके। तो दोस्तों हमने एक बार तो फायर की तब तो ये खड्डा हुआ, फिर हमने लगातार 2 या 3 बार फायर की फिर ये होता है। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा अगर हम बर्फ की सिल्ली पर एयर गन से फायरिंग करें तो कुछ ये हाल होता है। दोस्तों आपने तो देख लिया, अगर वीडियो में जरा सा भी मजा आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।